दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए करें आवेदन। 4 मई तक होगा आवेदन। 1100 रुपए लगेगा शुल्क। 1100 रुपए शुल्क लगेगा। विभाग के अनुसार सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत निकाय स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सक्षमता परीक्षा 2024 जो दूसरा है, दूसरी सक्षमता परीक्षा है, इसमें हिस्सा लेने के लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। सामान्य ज्ञान के 40% प्रश्न होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 40% अंक अर्जित करने होंगे। पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, SC/ST को 32%, दिव्यांग को 32%, महिला को 32% अंक लेने होंगे। 3री सक्षमता बाद ही होगी शिक्षकों की पद स्थापना। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में लागू आचार संहिता के कारण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया रुक गई है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग की तैयारी है कि 3री सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन कार्य किया जाए, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का एक साथ पदस्थापन हो। इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि 2री सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों से आवेदन की मांग भी की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 4 मई है। 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 2री सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के 5 मौके दिए जाने हैं। इनमें 3 परीक्षाएँ ऑनलाइन तो 2 लिखित परीक्षाएँ होंगी, 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होनी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जो नहीं मिली। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 3 सक्षमता परीक्षा मिलाकर कुल जितने शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका काउंसलिंग कराकर नए स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। 187,000 शिक्षकों की अभी रुकी है पोस्टिंग।